वेलकम टू अ वेरी वेरी स्पेशल एडिशन ऑफ वीकेंड हैंगआउट। हम हैं बिल्कुल दिल्ली शहर के दिल में, बिल्कुल बीचों बीच, लेकिन इस जगह के बारे में गारंटीड बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा। इनफैक्ट मैं खुद यहाँ से 3-4 दफ़ा गुजरी हूँ, लेकिन कभी मेरा ध्यान नहीं गया, ओनली अनटिल टुडे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का नाम तो आपने सबने सुना है, और वो फिल्म आई थी ना रॉकस्टार, जिसमें कुन फाए कुन गाने में रणबीर कपूर को इनलाइटनमेंट हो जाता है, वो निज़ामुद्दीन की दरगाह पे ही होता है, तो हम सबको पता है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह सब जाते रहते हैं। लेकिन औलिया साहब ने अपनी ज़िंदगी के 65 साल कहाँ गुजारे? खानका एंड शिला, विच इज़ वेयर वी आर। हज़रत ख्वाजा सईद निज़ामुद्दीन औलिया, मतलब औलिया का जो टाइटल है वो उन्हें इसी जगह पर मिला जहाँ पर आज हम हैं। आई टेल यू अ लिटिल बिट वेयर दिस इज़ एग्जैक्टली, क्योंकि गाड़ियाँ भतेरी जा रही हैं यहाँ से, लेकिन हार्डली कोई रुकता है क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या है, क्या ख़जाना है यहाँ पर। सो आई गेस आपको भी नहीं पता होगा। तो हुमायूं टूम्ब का जो चौराहा है वहाँ पर आपको बोर्ड दिख जाएगा, हुमायूं टूम्ब के अंदर जाने के लिए जिस रोड को आप लेते हैं, आगे आगे सीधे सीधे आते जाएंगे गुरुद्वारा दमदमा साहब की तरफ, तो बीच में कहीं है ये खानका और चिला। खानका और चिला की मीनिंग क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले अंदर चले। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब जो थे, उन्होंने अपने ज़िंदगी के 65 साल यहाँ खानका और चिला में गुजारे। दरगाह पे सब जाते हैं यहाँ पर। इस वक्त मेरे साथ में मोहम्मद अनवर साहब हैं, जो पिछले 30-35 साल से आप बता रहे थे। 35 साल से बताइए आप, इसके खानका और चिला में क्या होता था वो आप बताइए। बता रहे, वो जो अंदर से जो आप फोटो लिए ना जी, वो मेन पहले का है। और उस जमाने में हजरत के हयात में इस जगह बहुत बड़ा इमली का पेड़ था यहाँ पर। हाँ, और हजरत उसी पेड़ के नीचे बैठ के अपना रोटी पानी चिड़ियों को खिला दिया करते थे। वो बेसिकली रहते यहीं पर थे, है ना? रहते थे यहाँ। तो फिर कब खाते थे किसी को पता नहीं। तो उनकी खास मुरीद था जियाउद्दीन वकील, वो बादशाह के लोग थे और सरकार के मुरीद थे। उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ, जो सरकार यहाँ आपका एक खानका बनाए। तो हजरत ने कहा, देखो जो यहाँ खानका बनाएगा दुनिया में नहीं रहेगा, चंद दिन में चल बसेगा। अच्छा। तो उसने फिर जवाब दिया, जो सरकार एक दिन तो सबको जाना है दुनिया से, आप मेरे पीर हैं, बुजुर्ग हैं, आपके एक यादगार में बना के रहूँगा। तो उन्होंने बोला, जैसी मर्जी आपका, हुक्म दे दिया। तो फिर उन्होंने 30 दिन में बना के उसको तैयारी किया। 30 दिन का बाद समा महफिल हुआ इसके अंदर, अल्लाह रसूल का जिक्र हुआ। उस जिक्र के अंदर उनको हाल आया, औलिया निज़ामुद्दीन औलिया का मुरीद को जिसने बनाया उसको हाल आया। हाल आने पर वो महबूब इलाही का गोद में उसका दम टूट गया, रूह परवाज हो, समझे कि। तो इसीलिए उसके मकबरा को सामने रखा गया। मकबरा ये है उनका, जिन्होंने बनाया है, बनवाया, ठीक है, जिन्होंने ये खानका और चिला बनवाया है, उनका मकबरा यहाँ पर है। तो क्या उनकी औलिया साहब से पहले ही डेथ हो गई थी क्या? आप औलिया साहब से पहले डेथ हो। अच्छा। उन्होंने कह दिया, जो यहाँ बनाएगा वो दुनिया में नहीं रहेगा, चंद दिन में चल बसे। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, इसमें भी वजह है ना। क्या गौर करो, क्या वजह होगा बताओ। जब एक जिंदा पेड़ को आप काट के या खानका बनाओगे तो अक्सर की आपकी मौत होना है। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट लेसन। जिस तरह से हम सारे दरख्त वगैरह काटते चले जा रहे हैं, जो एक ज़िंदगी ले लेते हैं हम, और ऑक्सीजन हमें उन पेड़ों से ही मिलती है। तो औलिया साहब ने उस ज़माने में भी बहुत कमाल की बात दुनिया के लिए कह दी थी कि अगर तुम पेड़ काटोगे, दरख्त ही काट दोगे, तो तुम भी इस दुनिया से कूच कर ही जाओगे। तो ये तो दैट्स अ ग्रेट लेसन। और औलिया साहब जो है वो इबादत वहाँ किया करते थे, और महफिल नीचे की तरफ लगती थी जहाँ पर हमने दुआ मांगी।
लगी थी, दुआ मांगी हाँ, वहाँ पे महफिल लगती थी। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इल्लल्लाह मलाइका वर्रू आला इन्ना औलिया पाँच पंजतन बारह इमाम चार खलीफा चौदह खानदान या बड़े पीर दस्तगीर या ख्वाजा गरीब नवाज ढक पर्दा रख लाज बुलंद करम कर अल्लाह हर मुश्किल को और अनवर साहब आपके हाथ में ये तस्वीर भी है ना हाँ, ये उस जमाने की पेंटिंग की हुई है ना, जमाने की पेंटिंग है, हाथ की पेंटिंग में आप देखेंगे अमीर खुसरो साहब हैं और सामने निजामुद्दीन औलिया और ये उस टाइम की उस वक्त की पेंटिंग है। पीछे बहुत सारी कब्र कब्रिस्तान का है, वो किसकी कब्र है? जो गुजर जाते हैं ना उनको लाके दफनाते हैं। ये सारे जो खादिम लोग थे जो भी महफिल में आते थे औलिया साहब की, जब यू नो व्हेन दे पास्ड ऑन, उनकी कब्रें यहाँ खाना और चिला के बिल्कुल बराबर में कब्रिस्तान बनाया गया है। और जहाँ पर अभी मोहम्मद अनवर साहब और मैं बैठे हुए हैं बिल्कुल हमारे राइट डायगनली हमें गुरुद्वारा दमदमा साहब भी दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल बगल में है। तो I don't know how you miss this place, but we tend to. लेकिन कोई एक ऐसा moment होता है ना जहाँ पर पता चलता है कि यार इस जगह जाना चाहिए। और जैसे कि अनवर साहब आप बता रहे थे जो वहाँ दुआ मांगता है उसकी दुआ कबूल हो जाती है, तो you have to come here. ये है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का खानका और चिला। खानका यानी कि जहाँ पर वो खाते पीते बैठते थे रहते थे बेसिकली। चिला की मीनिंग ये है कि अपने आप को तकलीफ़ दे के जो मेडिटेशन में जाना ना, खाना पीना सब त्याग देना और एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेना और वहाँ पर दिनों दिन तक इबादत करते रहना, ऐसी जगह को चिला कहते हैं। वो मैंने आपको दिखाई थी जहाँ पे आज भी रोज़ाना जो भी यहाँ के केयर टेकर्स हैं वो चिराग जलाते हैं, तो वो चिला है और खानका। एंड हाउ मैजिकल इज़ दिस प्लेस यार, मतलब जस्ट इमेजिन कि इस जगह पे वो चलते फिरते होंगे, वो गिफ्टेड पीर यहाँ पर रहते थे, अपनी ज़िंदगी बिताते थे। जहाँ पर सोचो यहाँ जहाँ मैंने हाथ रखा हुआ है वहाँ कभी भी वो ऐसे टेका लगा के वो भी बैठे होंगे। एंड देयर इज हार्डली एनीवन हु कम्स हियर। पता नहीं ये मंत्रा की कैटेगरी में है या नहीं, बट स्टिल रिचर्ड मंत्रा, यू नो द वे द वर्ल्ड इज, द फोकस इज टू मच ऑन डेथ, लेट द फोकस बी ऑन लाइफ। अगर हम इसी लम्हे में इसी मोमेंट में रहेंगे उस पे फोकस करेंगे तो ज्यादा फुलफिलिंग लगेगा यार, ये पूरा जीने का एक्सपीरियंस। इस वक्त इस मोमेंट में सबसे बेस्ट बात पता है क्या हो रही है, कि आप और मैं बात कर रहे हैं थ्रू ऑफ कोर्स वी कैन हैंग आउट। सो इस मोमेंट को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए यू नीड टू हिट द सब्सक्राइब बटन। You know, I really like it when you subscribe. Not just because कि आपको notification आ जाएगा, आपको सबसे पहले पता चल जाता है जब मैं अगला weekend hangout का video upload करती हूँ, but इसलिए भी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो moment है जिसमें मैंने आपसे कहा कि आप subscribe करो, वो बात आपके दिल तक गई। That's the reason this moment is the most powerful one.